प्रधानमंत्री जी। जी महाराज। हमारे लाल बगीचे के संपूर्ण जागीर मोतीबाई के नाम की जाए और दमयंती का चरित्र जीवित अभिनित करने के लिए हम आपको नाट्य शिरोमणि की उपाधि से अलंकृत कर सकते। सखाराम जी, आप यहां टहल क्यों रहे हैं? विश्राम कीजिए। बोरबन जी, मुझे देखिए देखिए, जाने की बात मत कीजिएगा। जब तक आपकी बेटी विदा नहीं हो जाती, हम आपको नहीं जाने देने वाले। बोरबन जी, रुकना तो मैं भी बहुत चाहता था, परंतु आप तो जानते हैं कि इस समय विठूर में श्रीमंत सरकार नितांत अकेले है। मनु की विदाई की बात से वो वैसे ही बहुत दुखी हैं, और इस पर वहनी साहब भी तीर्थ यात्रा पर चली गई, नाना साहब भी यहीं पर हैं, प्राची भी यहीं पर है, इसलिए मेरा शीघ्रता शीघ्र वहां पहुंचना आवश्यक है। जी आप बात तो सही कह रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में हम आपको रोक भी नहीं सकते। ठीक है, मैं आपके जाने की शीघ्र व्यवस्था करता हूँ। परंतु मोरोपन जी, जाने से पूर्व मनु से मिलना अति आवश्यक है, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि श्रीमंत सरकार द्वारा भेजे गए इन उपहारों को उसने स्वीकार नहीं, उसने उपहार देखे भी नहीं और चली गई। तो आपका अर्थ है उसके बाद मनु आपसे मिली ही नहीं? मैं उसी की तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सखराम जी क्षमा कीजिएगा, परंतु अब तक उसका बचपना गया ही नहीं। सो तो है। मैं लेकर आता हूं उसे। मनु, मनु कहाँ हो तुम? सखाराम जी बाहर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे क्या हुआ इसे? अरे बोलो तो, चुप क्यों हो तुम लोग? काका, मनु जी ने घायल हो गई थी। घायल? पर कैसे? वो बाहर गई थी। हे देवा, मेरी समझ में नहीं आता ये लड़की क्या करना चाहती। उस दिन महाराज ने स्पष्ट शब्दों में इससे कह दिया था कि हमें एक दूसरे के संस्कारों का आदर करना चाहिए। अगर उन्हें इस बात का पता चला तो अनर्थ हो जाएगा। और क्या विवाह से पूर्व इस प्रकार बाहर जाना हमारी मर्यादाओं के अनुरूप है? यदि सबको ये मालूम हो जाए कि हमारी महारानी साहिबा ने बाहर जाकर क्या किया है, तो सब लोग उनका जीवन भर उपकार मानेंगे। क्या कहा तुमने? आज हमारी महारानी साहिबा ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए झांसी नरेश की हत्या होने से बचाई है। क्या बक रहे हो तुम? भला हमारे महाराज की हत्या? जी हाँ, नल दमयंती नाटक के बीच महाराज की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। अगर महारानी वहां समय पर ना पहुंचती तो भगवान ना करे महाराज की हत्या हो जाती। तुझ पे रहम करूं लच्छो बाई, तुझ पे। तुमने हमारे महाराज को मारने की कोशिश की, आज तो तुम्हारी वो हालत करूंगा कि मौत भी तुम्हारे पास आने से घबराएगी। और इसके ऊपर पानी। बस करो, बस करो। रुक जाओ।
कोई नहीं साहब। दुनिया आपको वैश्या कहती थी, परंतु हम आपको मां कहते थे। आप तो कहा करती थी कि गंगाधर, मैंने तुम्हें गोदी में बिठा के खिलाया, और आज हमारी ही हत्या। आप ऐसा नहीं कर सकते। बस हमें ये बता दो कि ये आपके ये हाथ किसने खरीदे? ये हाथ कभी बिके नहीं है गंगाधर, खैरात में दिए थे तुम्हारे उस भाई को, जिसके पास जाने से उसकी बीवी भी नफरत से मुंह मोड़ लेती थी। मैंने अपनाया था उसे, क्या सिला दिया उसका। आज उसी रघुनाथ नेवलकर की औलाद ना हिंदू है ना मुसलमान, जिंदा होते हुए भी मुर्दों की तरह जी रहा है वो, क्योंकि तुम सबकी नजरों में उसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन मेरी नजरों में है गंगाधर, मेरी नजरों में है, और वही है असल में झांसी के तख्त का असली वारिस। भूले आपकी बहनिसा, सिंहासन स्वयं को योग्य समझने से नहीं मिलता, दूसरों के दृष्टि में स्वयं को योग्य सिद्ध करना पड़ता है। हाँ, और तुमने अपने राजा बनने की काबिलियत रंगशाला से हासिल की। गंगाधर मेरा बेटा भांडो की तरह नाचना नहीं जानता। बस! क्या बस? सच्ची बात सुनकर तिल मिला उठे। देखना, कल कोई रकासा झांसी के तख्त पर होगी और तुम झुमके लगा रहे होगे, और बेचारी मणिकर्णिका। अरे, इतनी आसान मौत तुम्हारे लिए पुरस्कार होगी, तुम तिल तिल मरोगे, हमें पूर्ण विश्वास है। हमारी हत्या के षड्यंत्र में तुम्हारे पीछे कोई है? केवल दो रास्ता है तुम्हारे पास, या तो उनके नाम बताओ या मृत्यु से भयंकर जीवन बिताए। माध्यम से ये आपके साथ वास्तविक विवाह रचाना चाह रही थी। तुमने सदैव हमारे विश्वास को ठेस पहुंचाई है। ले जाओ उसे और बंदी ग्रह के अंधकूप में जीवन भर के लिए डाल दो। हम इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। ले जाओ, ले जाओ। मालूम हो गया होगा सब कुछ।
काका, कैसी है हमारी मनु? चेतना आई थी, अभी अभी सो गई है। भगवान जाने क्या है इसके भविष्य में। सुख के पल जिएगी भी या जीवन भर संघर्ष ही करती रहेगी। जरा सोचो तात्या, एक ऐसे राजा से विवाह करने जा रही है जो अपने ही घर वालों के षड्यंत्रों के सामने विवश खड़ा है, उसमें ये क्या कर लेगी? काका, अब तक आपको हमारी मनु की गतिविधियों से यह अनुमान नहीं हुआ कि हमारी मनु कोई साधारण कन्या नहीं है। इतनी छोटी सी आयु में हर विपरीत परिस्थिति को अपने अनुरूप ढाल लेती है यह। सच कहूं काका, तो मुझे तो यह भी आभास हो रहा है कि नियति अवश्य ही हमारी मनु से कोई महान उद्देश्य की पूर्ति करवाना चाहती है। काका, एक पल के लिए आप मनु की दृष्टि से देखने की चेष्टा कीजिए तो आपको ये सारे षड्यंत्र महत्वहीन दिखाई देंगे। लेटी रहना बेटे, बाबा आप यहां इस समय? बेटी जब कद से बड़ा काम कर जाए तो पिता फूले नहीं समाता बेटे। नहीं बाबा, हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, बस परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि हमसे हो जाता है। और शायद आपके आशीर्वाद के कारण हम सफल भी हो जाते हैं। पर फिर भी एक इच्छा रह जाती है कि हमारे पापा का सिर सदैव ऊंचा रहे। बिठुर के प्रकांड विद्वान आचार्य वादरायन ने ये षड्यंत्र सिद्ध करके भीड़ स्वरूप आपके लिए भेजा है। इसे गले में धारण करने से सारे कार्य शुभ होते हैं। महाराज क्षमा करें, हमने आपकी बातों में व्यवधान उत्पन्न कर दिया। व्यवधानों में जीना हमने सीख लिया वही निशा। कहिए, यहां आने का कष्ट कैसे किया आपने? बस ऐसे ही, मन नहीं माना। महाराज पता नहीं क्यों हमें ये आभास हो रहा है कि जब से आपका विवाह तय हुआ है तब से कोई ना कोई व्यवधान और अनिष्टकारी घटनाएं घट रही हैं। क्षमा कीजिएगा वाणी साहब, सेवक को पूर्ण विश्वास है कि मणिकर्णिका से विवाह तय होने के कारण ही हमारे महाराज की जान बच पाई, क्योंकि शास्त्रानुसार वर के साथ वधु का भी भाग्य जुड़ जाता है।
जी पंडित जी, आपका कथन सत्य है। मणिकर्णिका केवल हमारे जीवन में ही नहीं बल्कि झांसी का सौभाग्य बनकर आई है। अन्यथा बहुत से गूढ़ प्रश्न आज तक हमारे लिए रहस्य ही बने रहते। बेटे, तुमने महाराज जी को तो बचा लिया, परंतु कहीं उन्होंने तुम्हें? नहीं बाबा, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। तुम सचमुच विलक्षण हो बेटे, परंतु ये बात हमें पूर्ण रूप से महाराज को बताना अति आवश्यक है। बाबा, हम महाराज को एक पत्र लिखना चाहते हैं। अवश्य अवश्य लिखना बेटे। वही नहीं साहेब, हमारा विवाह तय होने के पश्चात व्यवधान अवश्य उत्पन्न हुए, परंतु इतना तो आप भी जानते हैं कि सारे व्यवधान और षड्यंत्र निफल होते चले आ रहे। जी महाराज, यदि केवल हम अपने लिए ही नहीं अपितु औरों के लिए शुभ सोचे तो ईश्वर की कृपा से हर कार्य शुभ होता है। पत्र केवल महाराज के हाथ में देना। जो आज्ञा महारानी साहब। हुजूर। आइए मोती भाई, आइए। माफ कीजिएगा हुजूर, आपको जहमत दी। दरअसल हमारे दिल को चैन नहीं पड़ रहा था, इसीलिए चले आए। कहिए मोती भाई, क्या समस्या है? नहीं, बस हम यही जानना चाह रहे थे कि लच्छो साहिबा ने ऐसी सफाक हरकत क्यों की। इसका उत्तर तो अभी हमें नहीं मिला है, परंतु अवश्य हम इसका पता लगाएंगे। वो हमें सब बताएगी कि इस घटना के पीछे उनके साथ और कौन कौन है। महाराज, महारानी मणिकर्णिका की ओर से संदेश आया है। आइए। प्रणाम महाराज। महारानी मणिकर्णिका ने ये पत्र खास आपके लिए भिजवाया है। धन्यवाद। कहीं मणिकर्णिका ने हमारा नाम तो नहीं लिख दिया। इस पत्र में आपका भी नाम लिखा है।